वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि किस टाइप से हमारी पूरी केमिस्ट्री एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। और किस टाइप का, किस एलिमेंट्स की बेटा क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा बेटा ईच एंड एवरी एलिमेंट्स हैविंग इट्स सिम्बल्स। हर एक एलिमेंट्स का एक बेटा सिंबल होता है, उस सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट्स का बेटा एक एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर के साथ साथ एलिमेंट्स के पास कुछ मास नंबर होता है, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में जान सकते हैं। तो हम बेटा थोड़ी सी बात करेंगे अब टेंथ क्लास की। तो टेंथ क्लास के अंदर हमने पढ़ा बेटा दो तीन हमने अरेंजमेंट पढ़े थे। अरेंजमेंट के अंदर हमने पढ़ा बेटा मेंडलीव क्लासिफिकेशन, और मेंडलीव के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया था बेटा वो था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन। तो आपने वहाँ पे बताया था अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मींस जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्टिंग में हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ओके तो कुछ बेटा वही आइडिया लेने जा रहे हैं हम। तो आप देख रहे हो बेटा हाइड्रोजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 1, ओके हाइड्रोजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 1 एंड हीलियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 2। इन द सिमिलर वे लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होगा, बेरिलियम 4 रहेगा बेटा, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो अब आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। ओके इन द सिमिलर वे बेटा फिर आपने लर्न करना है सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम का बेटा 13 रहेगा, सिलिकॉन 14 रहेगा, फॉस्फोरस 15 रहेगा, सल्फर 16 रहेगा, क्लोरीन 17 एंड आर्गन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। ओके इन द सिमिलर वे बेटा पोटाशियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम हैविंग द 20। और अब आपने बेटा यहाँ पे मूव करना है स्कैंडियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 22, वैनेडियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 23 एंड क्रोमियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज हैविंग द एटॉमिक नंबर 25। फिर बेटा आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक एंड दीज एलिमेंट्स हैविंग देयर एटॉमिक नंबर 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30। तो आपका बेटा जो फर्स्ट होमवर्क है या फिर आपने बेटा जैसे जैसे केमिस्ट्री को सीखना है तो धीरे धीरे करके बेटा आपने इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और सिंबल को दिमाग में अच्छे से रखते चलना है। ओके अब बेटा आप देख रहे हो जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे टू टाइप्स अरेंजमेंट जनरेट हो रहे हैं। वन अरेंजमेंट इज आप देख रहे हो बेटा लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट बन रहा है। ओके और सेकेंड अरेंजमेंट आप देख रहे हो बेटा टॉप टू बॉटम का अरेंजमेंट बन रहा है। ओके तो आपने देखा बेटा जो लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट होता है बेटा हम उसको पीरियड का नाम देंगे। ध्यान रहे बेटा जी जो लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट बनेगा उसको हम पीरियड का नाम देंगे। ओके तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जो टोटल नंबर ऑफ दी पीरियड्स रहेंगे, मींस जो टोटल नंबर ऑफ दी लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट रहेंगे वो देख सकते हो बेटा जी वो टोटल 7 रहेंगे जी आपके लिए। ओके 1 2 3 4 फिर 5 6 एंड 7। ओके तो अब आपने बेटा ध्यान रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड होते हैं। ओके इन द सिमिलर वे आप देख रहे हो जैसे जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा एक टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट भी जनरेट हो रहे हैं। देख सकते हो बेटा आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट जनरेट हो रहे हैं। ओके अब ध्यान रहे बेटा जो टॉप टू बॉटम का जो अरेंजमेंट रहेगा उस टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट को बेटा हम ग्रुप का नाम देंगे। ओके तो अब जैसे ही बेटा कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जनरेट होती है इस कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा टोटल 18 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, मींस टोटल 18 टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट बनते हैं। ओके अब बेटा आपको दिमाग में रहे 30 आपने एलिमेंट्स लर्न करने हैं, फिर आपने बात ध्यान रखनी है लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट होगा दैट विल
इज कॉल्ड द पीरियड्स, और जो टॉप टू बॉटम का अरेंजमेंट होगा वो बेटा ग्रुप कहलाएगा। ओके, टोटल पीरियड बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 होते हैं। ओके, और टोटल बेटा जो ग्रुप होते हैं वो 18 होते हैं। ओके, अब बेटा आपने ध्यान रखना है धीरे धीरे करके। अब आपने रखना है बेटा फर्स्ट ग्रुप को लर्न करना है आपने जी। ओके, आप किसी ट्रिक की हेल्प भी ले सकते हो, वरना बेटा धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको एलिमेंट्स लर्न होते जाएंगे। ओके, फर्स्ट ग्रुप के अंदर बेटा जो एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, एंड फ्रेंसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मीन्स हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर बेटा जी ये वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और इन द सिमिलर वे बेटा सेकेंड ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं दीज आर द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बेटा बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, तो अभी आपके बेटा दिमाग में रहे फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट हैं और सेकेंड ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, इन फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को बेटा हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम भी देंगे। ओके, जो कि बेटा मैं बाद में डिस्कशन करूँगा कि क्यों हमने इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया। फिर हम पार्टिकुलरली बेटा बात बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल का नाम दिया जाता है और सेकेंड ग्रुप को बेटा अल्किलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा ध्यान रहें कि जो हमारा बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 10 ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा येलो लेटर के अंदर जो भी आपको आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो बेटा यहाँ पे 2 ग्रुप यहाँ पे हुए और 10 टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, और टोटल 10+2 लगा के बेटा जी 12 ग्रुप यहाँ तक कवर हो जाते हैं बेटा हमारे। ओके, तो अब आपने बेटा जी 13 नंबर ग्रुप के ऊपर आना है। तो 13 नंबर ग्रुप के अंदर बेटा जी अब ध्यान रहे दीज एलिमेंट्स आर नोन एज बेटा यहाँ से जेलो से इधर इधर जो भी एलिमेंट होंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्यों हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा ये बाद की बातें हैं, धीरे धीरे करके आपको दिमाग में आती जाएंगी। बस अभी आपने बेटा उतना ही करना है जितना मैं करवा रहा हूँ। ओके, इसको अच्छे से पढ़िए बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ओके, तो 13 नंबर ग्रुप के अंदर बेटा आप पढ़ोगे 13 नंबर में बेटा फर्स्ट एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम एंड थैलेनियम। ओके, एंड इन द सिमिलर वे बेटा जो 14 नंबर ग्रुप के अंदर एलिमेंट हैं वो है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, इन द सिमिलर वे बेटा 15 नंबर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, एंड नेक्स्ट बेटा जो 16 नंबर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ओके, तो बेटा ध्यान रहे इन एलिमेंट्स को बेटा अच्छे से लर्न रखिए कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर है, ये बातें भी बेटा आपको अच्छे से दिमाग में रहें। ओके, नेक्स्ट इज 16 नंबर ग्रुप बेटा, 16 नंबर हो गया बेटा। अभी नेक्स्ट रहेगा हमारा 17 नंबर ग्रुप। 17 नंबर बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेडीन। ओके, दीज एलिमेंट्स इज नोन एज अ हेलोजन एलिमेंट्स। बेटा इन एलिमेंट्स को हम हेलोजन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा ध्यान रहे अब लास्ट जो 18 नंबर ग्रुप रहेगा बेटा वो है बेटा हमारा हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। ओके, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज आ नोवल गैस एलिमेंट्स। बेटा नोवल गैस क्यों कहा जाता है बेटा, ये सभी के सारे आंसर आपको मिलेंगे। ओके, तो आज बेटा हमने पढ़ा एलिमेंट्स का आपको 30 तक बेटा नॉर्मली आपको लर्न होना चाहिए, उसके बाद आप बेटा कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर कौन से हैं बेटा जी, 13 के अंदर कौन से हैं, 14 नंबर के अंदर कौन से हैं, इन एलिमेंट्स को दिमाग में रखिए। ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये वाले को एस ब्लॉक का नाम देंगे और इन एलिमेंट्स को बेटा हम पी ब्लॉक का नाम देंगे। ओके, अब नेक्स्ट बेटा जो रहेगा दीज टू सीरीज आर बेटा यहाँ पे जो दो सीरीज हैं, दो पीरियड हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाहर हैं, जो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक मेजर लिमिटेशन भी रही। अब इन एलिमेंट्स को बेटा हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे, जो कि बेटा बाद में धीरे धीरे करके हम लर्न करेंगे। तो
तो बेटा आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और धीरे धीरे करके बेटा इन एलिमेंट्स के ऊपर इनका सिंबल, इनका एटॉमिक नंबर को अच्छे से दिमाग में लेके आइए। ओके, फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बेटा पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बताएंगे बेटा कि किस टाइप से एटम जनरेट हुआ, एटम स्फेरिकल ही क्यों हुआ बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, कैसे किस टाइप के, किस हिसाब से बेटा किसी एलिमेंट के हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बैलेंसी के बारे में बताएंगे बेटा, किस टाइप से वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके, तो अभी तक बेटा आप इन एलिमेंट्स के ऊपर मेन फोकस रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।